टाइगर का क्या है, जब टाइगर मूवमेंट करता है तो जंगल में कुछ इंडिकेशन हमें मिलते हैं। तू 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 कर दो, हमने तीन बार थूकने के लिए कह दिया, क्योंकि एक और झुंड हिरणों का ये भागा, ये मेल है इधर खड़ा है। जो इस पेड़ पे देखिए कितने मधुमक्खी के छत्ते हैं, एक दो, वो देखिए हाथी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं खड़ा हूँ रामनगर में, कॉर्बेट पार्क जहाँ से शुरू होता है। कॉर्बेट पार्क में सफारी के लिए बहुत सारी अलग अलग जोन्स हैं, जैसे कि झरना, पिजरानी, ढिकाला जोन और ढेला फाटो, ऐसे बहुत सारी अलग अलग रूट्स हैं जहाँ से सफारी कराई जाती है, डे सफारी। तो आज मैंने जो रास्ता, जो जोन चूज़ की है, उसका नाम है गर्जा देवी। तो अभी हम यहाँ से रामनगर में डैम के पास में खड़े हैं। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गर्जा जोन का जो है गेट है, वहाँ से हमें मिलेगी जिप्सी जो हमने पहले से बुक करी हुई है, और वहाँ से हमारी स्टार्ट होगी सफारी। तो चलिए अब यहाँ से सीधे चलते हैं गर्जा देवी जो जोन है उसके गेट पर। क्यों भाई लोग आज जा तो रहे हैं, बस अगर कोई टाइगर दिख जाए यार मजा ही आ जाए। मजा आ जाएगा, और तो जानवर सब दिखे पर टाइगर नहीं दिखा। नहीं, टाइगर मैं पहले देख चुका हूँ बट दिखता कम है ना, किस्मत पे है। बाकी हिरन विरन तो देखो दिखी जाते हैं, दिख ही जाता है। मेरे पीछे है गर्जिया गेट, यहाँ से जो है सफारी हमारी स्टार्ट होगी। जिप्सी हमारी बुक है, उसे 3 बजे आना है। जिप्सी ने एंट्री होती है, एंट्री करा के आते। हाँ, आप करा लो एंट्री। आईडी कार्ड ले निकाल लेना, वो ठीक है। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी। हेड कैप नहीं यार, रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे लड़के यार, लोकल के हैं। यहाँ से जो है अब सफारी स्टार्ट होगी। ये पीछे जो हमारे जो गाइड और ड्राइवर हैं वो चेक कराने के लिए गए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए और भी जिप्सीज खड़ी हैं आसपास, ये सब जिप्सियाँ। अब यहाँ से ये सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से जाएंगी सीधे जंगल में घुमा के लाएंगी, और इनकी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक जानवर हमको दिखा सकें। आज तो देखना ही देखना है, बाघ हाथी देखना ही है। अब देखो क्या दिखता है। फिलहाल बब्बर शेख तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है। मेवाड़ी जी को बंदर ज्यादा दिखते हैं अंदर। तुम्हें तो वैसे बंदर ज्यादा दिखते हैं, लंगूर बंदर। तो जहाँ जाते हो तुम, लंगूर और बंदर तो मतलब मुफ्त में दिखेंगे, और खरगोश रात को, और रात को खरगोश। अब आज तुम ना 3 बार उधर को थूक दो जरा। हाँ हाँ, थूको थूको, फिर देखो काम बन जाएगा, मजाक नहीं। तू 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 कर दो। तो हमने 3 बार थूकने के लिए कह दिया, क्योंकि महेश भाई की प्रॉब्लम यह है जब भी साथ में होते हैं ना तो सिर्फ दिखते हैं लंगूर और बंदर, और कभी कभी रात को खरगोश, बाकी सारे जानवर भाग जाते हैं। जिम कॉर्बेट में एक बहुत अच्छी पहल ये हुई है कि यहाँ पर जो गाइड है ना वो औरतों को बना दिया गया है, लड़कियों को, और 800 रुपये मिलते हैं एक बार अंदर जाने के, यानी कि सुबह शाम गए तो 1600 रुपये। अभी हमारी जो है सफारी हो चुकी स्टार्ट। यहाँ से पूरा नेचुरल साल फॉरेस्ट स्टार्ट है, जितने भी आप ये बड़े वाले ट्रीज देख रहे हैं ये सारे साल के हैं। तो मोस्टली कॉर्बेट में 60% साल फॉरेस्ट मिलता है। ब्रिटिश टाइम पे जो रेलवे ट्रैक में स्लीपर्स का यूज किया जाता था वो इन्हीं की लकड़ियों का किया जाता था, और जो हमारे घरों में चौखट वगैरह बनाई जाती है वो साल वुड की बनाई जाती है। तो यहाँ पे 60% साल फॉरेस्ट है, और जो ट्री की एज बताई जाती है 300 साल। तो लोकल में साल के लिए कहावत भी है
सौ साल खड़ा, सौ साल पड़ा एंड सौ साल सड़ा। तो ये हमारा राउंड सर्कल रहेगा। ऑफिशियल टाइम हमारा 4 घंटे का रहता है, बट डिपेंड करता है कि हम कितना घूमना चाह रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि कोई मूवमेंट नहीं मिलता तो टाइम से बाहर आ जाते हैं। जी तो क्या दिखेगा, हमें टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा? ठीक है सर, चांस तो है, गारंटी नहीं है कि दिखेगा ही दिखेगा ना, घूम के दिखेगा। क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है जहाँ पे हमें एनिमल्स दिखेंगे ना, कहीं पर भी दिख सकते हैं। और मोस्टली टाइगर का क्या है, जब टाइगर मूवमेंट करता है तो जंगल में कुछ इंडिकेशन हमें मिलते हैं, उसी के थ्रू हम फाइंड कर पाते हैं कि हाँ इस एरिया में टाइगर मूवमेंट कर रहा है। हम सिर्फ एक आइडिया लगा के वेट कर सकते हैं, टाइगर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता है ना। वाटर होल, हाथी जानवर यहाँ पर पानी पीने आते हैं। उधर एक हिरन भी पी रहा है पानी, देखिए। ये जो ग्रासलैंड है और यहाँ पर हिरन ही हिरन जो है, डियर घूम रहे हैं। पूरा ग्रासलैंड हम क्रॉस करके आ चुके हैं और अब यहाँ से जो है साल का जंगल फिर शुरू हो गया है। बस एक टाइगर की दरकार है। भाई तुमने देखो टोटका तो कर ही दिया था सर, अभी तो नहीं दिखे हैं। अब नहीं दिखा दो कुछ देख लेना, तुमको हम पनौती मान लेंगे। और झुंड हिरनों का ये भागा, ये मेल है इधर खड़ा है जो, ये है जंगलात की चौकी। यहाँ पर जो लोग हैं पेट्रोलिंग के लिए रहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी कोई इंडिकेशन मिले, कोई कॉल ऐसी आई जानवरों के सुनाई दे जिससे पता चले कि आसपास में टाइगर है, और टाइगर ही देखना है। यहाँ पर टाइगर की साइटिंग लास्ट कब हुई थी आपको इस क्षेत्र में? सर साइटिंग तो आज मॉर्निंग में भी हुई है। साइटिंग तो सर देखिए डेली ही रहती है, वो ये 2-3 गाड़ियों को डेली दिख जाता है, वो कौन सी गाड़ी है वो कुछ कह नहीं सकते। काफी देर से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अब चल पड़े आगे को। कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिला जंगल से कि टाइगर आसपास है, अब जा रहे हैं हम आगे। देखिए दूर ना, कम से कम कितने हाथी हैं, 1, 2, 3, 4 बहुत हल्के से दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में, बट जो है वो हाथी का झुंड खड़ा है वहां पर। ये देखिए ये गया जंगली सुअर, ये भागा 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 भागा। और भी जिप्सी वाले बैठे हुए हैं आराम से, जानवर एक ही बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहा है मोर। क्या क्या कहा मोर? जंगल में नाचा मोर किसने देखा? अभी दिख रहा था वो नाचते हुए। जिप्सी में नाच लो, वो क्या होता है नजदीक आ जाए। सामने
इतने नजदीक से जंगली हाथी देखे पहले तुमने? नहीं, तुम से देखेंगे उसी जगह बताते हैं। भाई मजा आ गया देख के, बहुत दिनों बाद नजदीक से दर्शन हुए। एक छोटा सा बच्चा, वो देखिए हाथी, 15 मिनट से बैठे हुए हैं अपनी जगह में ही हैं, कहीं जाने को तैयार नहीं है हाथी। थोड़ा जूम चाहे तो कर लो ना। सही, अब मेवाड़ी जी जी टाइगर दिखवा दो सर। अब बस टाइगर दिख जाए। तीन बार थू 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 करा ना, आज पनौती जो हटाई है, कम से कम हाथी तो दिखा जी। सारी जिप्सियां रुक गई हैं इन हाथियों को देखने के लिए। ये देखिए, तुमसे जो टोटका करवाया उससे तुम्हें तो हाथी देखने को कम से कम मिल गया है ना। अभी तो हाथी मिला, आप क्या बता के जाके मिल ही जाए हमें, मिल भी सकता है, मिल भी सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, यह है जंगलात की चौकी, और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं एक दूसरे जोन में, दूसरे जोन में नहीं दूसरे ट्रैक में। होपफुली वहाँ कुछ हमें दिख जाए जो हम ढूंढ रहे हैं। आओ चलिए। आ जाओ अब हम एक दूसरे टैगन में जा रहे हैं, जिस ट्रैक में जा रहे हैं थोड़ा वो हिली एरिया रहने वाला है, और यहाँ से वो रास्ता चेंज हो गया है। अभी हम इस तरह इधर से आए थे लेफ्ट से, अब हम जिस रास्ते में जा रहे हैं एकदम नया रास्ता है। से बैठे हुए हैं रास्ते में, इसमें एक मेल है, ये भागे ये है सांभर डियर। ये देखिए सांभर डियर, एक बार और आवाज लगा दे। जो सांभर डियर होता ना वो टाइगर का फेवरेट फूड होता है, ये वाला। हाँ ये जो अभी देखा था। आराम से। हाँ जी जी, गाड़ी से बाहर गिर गए ना तो 50,000 का जुर्माना लग जाएगा। गिरने पर भी गाड़ी से नीचे कॉर्पोरेट में आप उतर नहीं सकते, जमीन को छू नहीं सकते, चाहे तुम्हारा 2,000 का नोट गिर जाए अभी। हाँ पूछ लो। देखिए कैसी ढलान है यहाँ पर। इस पेड़ पे देखिए कितने मधुमक्खी के छत्ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उधर भी है 9, 10, 11 करीबन 15 के करीबन इसमें मधुमक्खी के छत्ते हैं, जिसमें अभी मधुमक्खी हैं। अबे तो मधुमक्खी तो होंगी, कभी कभी खाली छत्ते भी। मारो तो पत्थर भगा लेना जिप्सी है। अरे हमने अपने पूरे बचपन यही करा मैडम, लाल कपड़े पहन के। ये देखिए ये है सांभर डियर। हेलो, सांभर डियर ना देखो बिना घबराए हमारे पीछे चल रहा है, ये फीमेल है। मेवाड़ी जी उससे कह रहे हैं ले ले, जैसे कुत्ते को कहते हैं ना। यह है बार्किंग डियर, पानी पी रहा है। शाम होने लगी है और हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही वापस राउंड मार के जहाँ हमें मधुमक्खी के छत्ते दिखे थे वहाँ से एक डिफरेंट रूट है वापस जाने के लिए, उस रूट पे जाएंगे। अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ते में कुछ दिख जाए, मतलब कुछ से मेरा मतलब है टाइगर। टाइगर
इतनी तितलियों ने काटा हुआ है, इतनी मधुमक्खियों ने काटा हुआ है, बड़े से लेके छोटे। क्योंकि मेरा बचपन में ना फेवरेट खेल ये था। तभी से मुझे लग रहा है। दिखा दो मैडम, एक टाइगर दिखा दो कम से कम। मेरे हाथ में होता तो इतनी देर घूमते ही नहीं। अबे आप रोज आप लोग यहाँ सेटिंग करके रखा करो ना। थोड़ा सा टाइगर से तो नहीं होगा, सेटिंग वरना तो काफी अच्छे से। पे देखिए कितने मधुमक्खी के छत्ते, बाप रे, कम से कम 50 छत्ते होंगे क्यों? जी 50 तो कम से कम होंगे सर। आ गए हम लोग जंगल से बाहर, मेन रोड में, हाईवे में, शोर शराबे में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे है वही चौकी जहां से हमने स्टार्ट किया था, गर्जिया का गेट। उतरे तो आज का जो गर्जिया जोन की जो सफारी थी वो हमारी पूरी हुई, काफ़ी मज़ा आया। पर एक ही कमी रही कि हम टाइगर नहीं देख पाए। मे बी अगली बार जब हम झिरना या फिर बिजगानी जोन में जाएं तो वहां हमें देखने को मिल जाए। दिखाऊंगा ज़रूर आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो आज के आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी ही आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।